तो चुनाव में बीजेपी की जीत पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये विकास, सुरक्षा और विश्वास की जीत है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी ने जनता के लिए काम किया, विकास कार्य किए, उन्हें सुरक्षा प्रदान की, ये उसी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसानों ने बता दिया कि वो बीजेपी के साथ है। आंदोलन शुरू हुआ तीन कानूनों के खिलाफ, जिस प्रकार से उसको नाम किसान का दे दिया, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है, तो जिनका कोई आधार नहीं था उन्होंने अपने आप को बड़ा करने के लिए उसको किसान का नाम दे दिया। और चुनाव ने साबित कर दिया कि किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, और उसको किसान को उनकी नीतियाँ पसंद है और किसान के लिए जो काम सरकार ने किया वो उसका समर्थन करते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे उस टाइम, आज आपको पता चल गया, जो लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को पंजाब में जनसभा नहीं करने देंगे, बोलने नहीं देंगे, बाहर से पूछ के वोटे तो 4,000 पड़ रही, 4,000 वोट प्राप्त करने वाला आदमी प्रधानमंत्री को चैलेंज करके कहता है कि हम ये नहीं करने देंगे, 4,000 वोट लेने वाला आदमी प्रधानमंत्री से कहता है कानून बनाने से पहले मेरे से क्यों नहीं पूछा। तो यानी कि जनता का उनके प्रति कोई विश्वास नहीं है, वो केवल अव्यवस्था फैलाना चाहते थे, वही उनका काम था। लोगों को भी इस बात का पता था कि क्या है क्या नहीं है, कुछ राजनीतिक पार्टियां मिल गई और कुछ वो थे, इस करके वो सारा कुछ हुआ। लेकिन आज जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और उसको बहुत अच्छा।